अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खुर्शीद हज़ारवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक आपकी फरमाइश के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त मुझसे कमेंट्स में ये पूछ रहे होते हैं कि भाई हमें सर्किट में जो है हमारा बीप की आवाज़ आ रही है और पंखा चल के कुछ देर बाद रुक जाता है। तो इस तरह के फॉल्ट के बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, बहुत सारे कॉमेंट्स आ रही हैं कि यार हमें इससे क्या करना चाहिए, हम इसमें मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, उनसे पूछते हैं, बोलते हैं ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, हमने कनेक्टर को भी देख लिया ठीक है, फिर उसके बाद हमें समझ नहीं आ रही होती, बोलते हैं रिले चेंज करें। तो कुछ लोग, कुछ मेरे दोस्त हैं जो अभी बहुत सारे हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ये रिले को कैसे चेक किया जाता है, रिले के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिले हमारा ख़राब है या ठीक है, अगर हम चेंज करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि अब ये ठीक से काम कर रहा है या कोई और फॉल्ट है। तो दोस्तों रिले के बारे में आज मैं आपको जो है बताने जा रहा हूं कि आपने रिले अगर आपकी ख़राब है तो आपको कैसे पता चलेगा, और रिले को आपने लगाना कैसे है, लगाने के बाद अगर वो ठीक अपनी पोजीशन पे काम कर रहा है तो आपने कैसे चेक करना है कि रिले ठीक है या ख़राब है। तो रिले के ऊपर जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कनेक्टर के बाद आपके रिले में प्रॉब्लम होती है, कैपेसिटर में भी होती है, कैपेसिटर और अगर कनेक्टर ठीक आपको नज़र आ रहे हैं तो रिले में भी ये प्रॉब्लम होती है, कुछ देर बाद बीप देने के बाद पंखा आपका रुक जाता है, फिर कुछ देर बाद झटके देकर चलता है। तो ये रिले के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो मेरे नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि आप YouTube को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और जो है कि साथ में बेल आइकन प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और दोस्तों में शेयर किया करें, लाइक करें, और अगर कमेंट्स में कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछा करें। तकरीबन मैं बहुत सारे लोगों को जवाब दे रहा हूँ, तो आप लोगों की मोहब्बत है जो आप पूछते हो और जो हम लोगों को मेहनत की होती है उसका हौसला अफजाई हमारी होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कि इसमें हमने रिले को कैसे चेक करना है, रिले की कौन से पॉइंट होते हैं, कौन सा इन होता है, कौन सा आउट होता है, तो ये सारा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैं जब तक ये मेरे पास एक कार्ड है, इस कार्ड को जो है कि मैं ये जो लाइटिंग का मेरी ये वीडियो पड़ी हुई है आप देख सकते हैं कि आप बग़ैर पंखे के जो है कि इसको कैसे चेक करेंगे कि आपका कार्ड ठीक काम कर रहा है या नहीं। ये इंडिकेशन लाइट मैंने बनाई हुई है जिस पे हमारा पंखा अगर ठीक से काम कर रहा है तो ये जल बुझ कर होती है, ब्लिंकिंग करती हैं, ये दो LED हैं। तो ये टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग इंडिकेशन लाइट मैंने बनाई हुई है कार्ड के लिए। तो ये कैसे बनती है वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, बहुत सारी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं, AC DC पंखे की कम से कम 20-22 वीडियो पड़ी है, आप उसमें देख सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह एक्सपर्ट बन जाएंगे DC पंखे रिपेयर करने के। तो दोस्तों चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसके रिले के कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके क्या कौन से पॉइंट होते हैं। तो अभी मैं आपको यानी कि इसके बारे में दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसको रिले के पॉइंट में आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे रिले तक हमारी सप्लाई पहुँचती है। तो ये AC साइड होता है, ये जहाँ पे हमारे ये फ्यूज़ और जो हमारे यहाँ पे रेक्टिफायर लगा होता है, तो ये हमारा ऐसा जो आर होता है यहाँ बड़े कैपेसिटर से, और जो हमारा चॉपर होता है उससे होते हुए छोटे कैपेसिटर से होते हुए ये पोर्शन जो होता है हमारा ये AC को होता है। तो AC हमें यहाँ पर जो है इस MOSFET से इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं, इस रिले के इस पॉइंट पे हमें देर होता है 12 से 14 वोल्ट, 14 वोल्ट हमारे यहाँ होते हैं। तो इस रिले से जो है कि इसने पास होकर जाना होता है DC साइड पे इस रिले में। ये रिले इस वजह से होती है कि जब आपकी AC सप्लाई आ जाती है 220, तो ये रिले टक से उस पॉइंट से हट जाती है। तो ये जो है आपकी DC 12 वोल्ट से कट जाता है, और AC के जो 12 वोल्ट हमारे ये पोर्शन जो हमारा ये पार्टीशन बना होता है 12 वोल्ट, इसके 12 वोल्ट को रिले पास करने शुरू कर देता है जब 220 आती है। तो उससे क्या होता है, वो इस वजह से कि यानी कि आपकी बैटरी जो है वो चार्ज जो है उसका ख़त्म नहीं होए जब लाइट हो, तो ये AC के जो 12 वोल्ट इस सेट से हमें बना के दे रहा है ये कार्ड, उस पर आपका पंखा चले, और जैसे ही आपकी 220 सप्लाई बंद हुई तो ये रिले जो है दोबारा से कट आउट हो के दोबारा वहाँ आपके 12 वोल्ट जो बैटरी के होते हैं, ये जो आपके लगे हुए हैं ये वायर, इनके पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो बैटरी का जो है फिर उसके बाद 12 वोल्ट इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही AC आएगी, ये बैटरी से इसका रिले अपना अंदर से पॉइंट को कटअप करके AC के जो ये साइड के 12 वोल्ट हैं इसके साथ कनेक्ट करती है। तो आपको ज़रूर ये बात समझ आ गई होगी
अब चलते हैं दोस्तों रिले के बैक साइड पे, किसके कनेक्शन कैसे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है, ये आप कार्ड में देख रहे हैं, ये हमारे 12 वोल्ट है। ये आपको स्टिकर पे भी दिखा देता हूँ, ये 12 वोल्ट है। तो ये 12 वोल्ट आप देख रहे हैं, तो इसके जो आप प्रिंट को देखेंगे, जो इसके प्रिंट है वो हमें रिले के कौन से पॉइंट पे लग मिल रहे हैं। ये देखिए, हमने इसमें रेड वायर को देखना है, ये रेड वायर आया, इसी रेड वायर के साथ रिले की ये टांग कनेक्ट है, जो हमें ये इन बन रही है, 12 वोल्ट की इन बन रही है। तो ये और ये जो हमारी आ रही है, ये एसी पोर्शन की ये टांग इस पे कनेक्ट हो रही है। ये दोनों साइडें जो है रिले की, ये हमारे पास इनपुट बन रही है। एक जब एसी आती है तो एसी पोटिशन की 12 वोल्ट है, और एक जो है बैटरी की 12 वोल्ट की ये पॉइंट है रिले का। ये दो टांगें जो रिले की इस तरफ की हैं। तो आप इसको करीब से देख लें, प्रिंट आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपको दिखने में परेशानी हो रही है तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जूम कर लूँ। ये आप देख रहे हैं, ये इस रिले की इस टांग के साथ ये बैटरी के 12 वोल्ट है, और ये जो प्रिंट ऐसे जा रहा है इस पॉइंट पे, ये छोटे पॉइंट पे, तो ये हमारा एसी पोर्शन का 12 वोल्ट का जा रहा है। तो ये इन एसी की बन गई 12 वोल्ट की, और ये बैटरी की 12 वोल्ट की इस टांग पे मिल रहा है रिले के। अब ये आउटपुट की टांगे हैं, तो ये कैसे कटअप करता है, लाइट आने पे 12 वोल्ट बैटरी से, और लाइट जाने के बाद दोबारा कनेक्ट कैसे करता है बैटरी के 12 वोल्ट, ये भी आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मीटर पे आप चेक कर सकते हैं, मीटर से आप मीटर से इसको भी चेक कर सकते हैं। आपको दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब आपको थोड़ा यहाँ दिखने में परेशानी कम हुई होगी। तो ये रिले हमारी बैक साइड लगी हुई है, इसकी ये एसी की आ गई जो हमारे पास है इनपुट, इसकी रिले की इस तरफ की टांग पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रिंट 12 वोल्ट का है, जो बैटरी के हैं वो यहाँ ये एक ही हिस्सा है, एक साथ जुड़े हुए हैं प्रिंट में ये दोनों। आप कनेक्टिविटी पे लगा के देखेंगे तो ये देखें, ये यानी कि शार्ट हैं, जैसे ये मिला देते हैं, ऐसे ये आपस में पहले से मिले हुए हैं। अब ये जो है, ये हमारे पास जो आ रहा है ये 12 वोल्ट, अभी जो है इसमें सप्लाई नहीं है एसी की, होगी तो ये कट हो जाएगा। तो अभी आप इसको देखें कि इसकी आउटपुट पे हमें कौन सा पॉइंट जो है पास करके दे रहा है, ये बैटरी का हो गया, इसको आप 1 by 1 चेक करना होता है आपको। इसको अभी मैं आपको बिल्कुल करीब करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी देखें आप इसको, ये हमारी मेरे हमने देखना है कि 12 वोल्ट जो हमारे बैटरी के, वो हमारी रिले आउट कर रही है, नहीं अभी सप्लाई है। ये देखें, ये 12 वोल्ट को आउट कर रही है, क्योंकि ये यहाँ से हमारे डीसी पोर्शन में आ रहा है, जहाँ से 3 फेज़ में कन्वर्ट होता है। तो ये अभी इसको 220 नहीं मिला हुआ। अब अगर 220 हम इसको देते हैं, तो उस वक्त इसको जो है कि यहाँ पर हमें आउटपुट में ये नहीं दिखाना चाहिए, ये जो है ये 12 वोल्ट बंद हो जाने चाहिए, और ये जो 220 के आउटपुट हैं वो हमें 220 के 12 वोल्ट पे, इस कार्ड के जो 220 के इस तरफ का पोर्शन है, इसके 12 वोल्ट आउटपुट में देने चाहिए। तो ये इसकी जो ऑपरेट कर रही होती है, इसकी जो कॉइल होती है रिले की, ये उसके कनेक्शन होते हैं। तो इनको अभी मैं आपको ये रिले निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें ये आप देखेंगे कि मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूं, तो ये कांटा पीछे जा रहा है, चार्ज हो गए पीछे जा रहा है। तो ये इस पे लगाएंगे तो ये यहाँ पे देखें, ये इस तरह जाएगा। तो ये अभी क्यों कर रहा है, ये हमारे, ये आप देख रहे हैं ये पॉइंट जो है हमारे, ये कैपेसिटर के पॉइंट,
तो ये कैपेसिटर की वजह से इसमें चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये भी आपको इस तरह दिखा रहा है। ये देखे पीछे जा रहा है कांटा, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पॉइंट भी अभी आउटपुट दे रहे हैं एसी और बैटरी के, एसी के 12 वोल्ट और बैटरी के 12 वोल्ट दोनों जैसे हमें शो हो रहे हैं। ये दोनों ने दोनों में से एक चीज़ आती है रिले कटअप के लिए होता है हमेशा ऑटोमेटिक काम करने के लिए, जब आपकी 220 आ जाए तो ये बैटरी से कट जाए और जब 220 चली जाए तो ये आपकी बैटरी या सोलर को उसके 12 वोल्ट पे चलाना शुरू कर दें। तो ये अभी देखें आप बैटरी के ऊपर भी ये दिखा रहा है और जो है कि इसके ऊपर भी, तो ये अभी मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये अभी हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जो दो पॉइंट हमारे ये बैक साइड पे आप देखेंगे छोटा कैपेसिटर है, आपको नज़र आ रहा होगा ये छोटा कैपेसिटर है, इसके चार्ज है उसकी वजह से ये आपको दिखा रहा है। तो इस रिले को मैं बाहर निकाल, इस रिले को बाहर निकालने के बाद मैं आपको वो जो है कि पूरे रिले के अंदर के फंक्शन समझाऊंगा कि आपने इसके अंदर कैसे पॉइंट पास कर रहे होते हैं 12 वोल्ट को जब एसी आती है और जब एसी चली जाती है। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, छोटी सी वीडियो होगी रिले का, आपको बेहतरीन उसमें समझ आ जाएगी कि क्या फंक्शन होता है। तो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचने वाली है और ये रिले आपको दिख रही है, रिले के अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम मुकम्मल डिटेल आपको उसमें रिले की दिखेगी, आपने किस तरह रिले के फंक्शन को चेक करना है, आप रिले के मास्टर बन